एक तो ये बता रहे थे कि नाला जो है वो शायद नदी में आकर के गिरता है। स्वाभाविक बात है कि इतना सब जब काम होगा तो अगर नाले का वो दुरुस्तीकरण नहीं होगा, नाले को रोका नहीं जाएगा, नाले का व्यवस्थापन नहीं किया जाएगा तो गंदा पानी नदी में गिरेगा। उसी गंदे पानी में माताएं बहनें जो छठ की पूजा करती हैं या लोग नहाने आते हैं, स्नानार्थी आते हैं, स्वाभाविक रूप से उनको तकलीफ होगी। तो आप ये मान लीजिए कि आपका नाले का काम भी मंजूर हो गया। हम इसकी औपचारिक एक दरखास्त सबको बना करके अध्यक्ष जी आप लोग भिजवा दीजिए और इसको भी हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और क्या बताए थे? हाँ, अभी ये समझ में नहीं मुझे आ रहा है कि नाला बाकी है, शिव भगवान का मंदिर बाकी है, यहाँ का कंपाउंड बाकी है, अंत्येष्टि शमशान घाट बाकी है, तो ये भयन का है आज भाई, ये बताइए। तो अब यही से हमारी बात अब शुरू होने वाली है। आपसे कहने वाला हूँ ये जो कुल बकिए रखल है मोदी जी खातिर, योगी जी खातिर, तो पहले वाला लोग कहीं ना कहीं बताओ हमके, तो पहले तो हम ही बता दें कि अंत्येष्टि जो शमशान घाट के जो प्रश्न है उसका भी उसको भी मंजूर आप मान के चलिए, उसका भी काम साथ में ही शुरू, उसका भी काम साथ में ही शुरू हो जाएगा। संयोग देखिए कि भगवान शिव के आसपास जितना कुल काम होला ये कुल योगी जी और मोदी जी हम ही के दे दे रहे हो। शमशान घाट बनावन भगवान शिव के आसपास शमशान जरूर होता है। भगवान शिव को जो बहुत सबसे ज्यादा प्रिय है नंदी और गाय का कि अगर गौशाला बनाना हो तो भी बताइएगा, गौशाला भी हमारे जिम्मे है, गौशाला का काम भी। तो इस तरह का कहने का मतलब ये है कि विकास के इस तरह के कोई भी काम में कोनो रुकावट आवे ना दे जाए। मान ला हमारे पास ना हो, हमारे विभाग का काम ना हो, हमारे कलम के ताकत में ना हो, तो हम दूसरे से जाके हाथ जोड़ नहीं तोड़े खातिर, अपने गांव गिराव खातिर हाथ जोड़ ले। और वही बात जो पीडब्ल्यूडी की बात आई कि पुल पीपा का पुल बन जाता तो अच्छा रहता, तो मैं माननीय हम अपने पीडब्ल्यूडी के जो माननीय मंत्री जी हैं उनके विभाग के जो अधिकारी हैं उनको भी मैं आपकी तरफ से मैं जरूर कहूंगा कि इसका आप कराइए, उनका ध्यान दीजिए। लेकिन ये सब जो है और वोट की तो गिनती ये बताए ही, कुछ वोट तो खुद ही गिना दिए कि यहाँ की रोड की समस्या थी मंजूर हो गई, वहां की रोड की समस्या थी मंजूर हो गई। रोड रास्ता कहीं का भी कोई काम होगा आप हमको याद करिएगा, छोटू भाई को याद करिएगा, हमारे यहाँ भाजपा के लोग बैठे हुए हैं, हमारी जिला की अध्यक्षा भी बैठी है, माननीय मनोज राय बैठे हैं, योगिंदर राय बैठे हैं, इस किसी का भी हाथ पकड़ के कान पकड़ के कहिएगा हमारे यहाँ पहुंचा देंगे बात और हम जो है उसको कर देंगे। अब अगली बात ये है कि आप लोगों ने सुना होगा कि माननीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और उनकी नेम है, दो बातें उन्होंने विशेष रूप से कहा है, वो बात मैं आपको सुना के अपनी बात पूरी करूंगा। एक तो राम मंदिर बनाने का उनका सपना था और वो राम मंदिर आज पूरा होने जा रहा है। उसका वो सपना उन्हीं का नहीं बल्कि पूरे देश का, पूरे भारत के एक एक जन जन का वो सपना था, भगवान राम हमारी आत्मा में बसते हैं, वो सपना भी अब पूरा होने जा रहा है। लेकिन दूसरा भी एक साथ में था कि भाई राम मंदिर तो बन गया लेकिन राम राज्य का सबका विकास कैसे होगा, ये जो शमशान नहीं बना था, रोड नहीं बना था, नाले का पानी सही जगह नहीं गिरता था, घाट की व्यवस्था नहीं थी, मंदिर की जो व्यवस्था हो गई थी इतना बढ़िया मंदिर लेकिन अगल बगल कुछ नहीं था। तो ये बातें जो है विकसित भारत के संकल्प में आती है भाई।